हेलो फ्रेंड्स, आप मेरी मम्मी का गार्डन पहले भी देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था 3-4 महीनों से, जिसके कारण वो हम गार्डन पे वो कुछ केयर नहीं कर पाई। हम लोगों ने बस इतना किया कि पानी जो है वो देते रहे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण गार्डन का ये हाल हो गया है। देख सकते हैं ये इस तरह से, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल ही मैं कहूँगा। आप देख सकते हैं ये सारा जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारा मेरी मम्मी ने लगाया है, लेकिन ऑलमोस्ट 4 महीने से मेरी मम्मी बीमार थी, जिसके कारण वो प्लांट पे केयर नहीं कर पा रही थी। तो आशा करते हैं कि वो अब जल्दी से ठीक हो जाएंगी और फिर से अपने प्लांट्स को देखेंगी, फिर से अपने प्लांट्स का केयर करेंगी, क्योंकि हम लोगों से वो चीज़ हो नहीं पाता है, क्योंकि मम्मी का इंटरेस्ट तो मेरा भी है, लेकिन मम्मी का केयर में ही मेरा सारा समय चला जा रहा था, जिसके कारण मैं भी प्लांट्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैक्सिमम हम लोग इतना ही कर पा रहे थे कि प्लांट्स में पानी रेगुलरली डाल दे रहे थे, ताकि प्लांट्स सूखे नहीं। तो पहले से भी आप ये सारे जो प्लांट्स हैं सबके बारे में मेरी मम्मी इस चैनल पर बताती हैं, तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन इस तरह का हाल नहीं देखे होंगे। तो अभी ये तो काफ़ी बुरे हाल में है। बुरे हाल कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्लांट सूख गया है, प्लांट तो ठीक है, लेकिन जो काफ़ी सारे जंगल वगैरह उसमें उग गए हैं और कोई कटिंग नहीं हुई है तरीके से, तो प्लांट जो है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो इसके कारण हम लोगों ने, मम्मी का तबीयत ख़राब भी था, हम लोग कितने भी बिजी भी रहते थे मम्मी के केयर में, लेकिन हम हमेशा ये प्रयास करते थे कि मम्मी का प्लांट जो है ना सूखे। मेरी मम्मी काफ़ी दिनों तक पटना में एडमिट थी। पटना में हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल, उसका पूरा नाम है जे प्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना में, वहाँ पर मेरी मम्मी भर्ती थी बहुत ही समय के लिए। तो फिर भी हम लोग ध्यान रखते थे कि प्लांट्स में पानी रेगुलरली दिया जा रहा है, ताकि जो मेरी मम्मी का इतना मेहनत है, जो मेरी मम्मी ने इस सारे प्लांट्स को लगाने में इतना मेहनत किया है, उनका मेहनत ख़राब ना हो, उनके कोई प्लांट सूख ना जाए, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख पाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जैसे कि हम लोगों ने एक यहाँ पर एक स्टाफ रखा था कि वो डेली आके प्लांट में पानी पटा दे, लेकिन कभी कभी वो प्लांट में पानी पटाने नहीं आता था, और हम लोग सारे लोग पटना में थे, तो मैं ऐसा भी हुआ है कि मैं बस पकड़ के आके और मैंने प्लांट में पानी पटाया है, तो इस तरह से ताकि वो प्लांट सूखे नहीं। तो हम लोगों ने अपना अपना बेस्ट ट्राई किया है कि प्लांट नहीं सूखे, और मुझे लग रहा है कोई प्लांट सूखा नहीं है, बस प्लांट की जो एक डेकोरेशन होती है, कटिंग होती है, फर्टिलाइज़र वगैरह डाला जाता है, वो हम लोगों ने नहीं किया है, बस इतना ध्यान रखा है कि सारे प्लांट्स सूखे ना, इस चीज़ पे ही फोकस किया है। इवन कि जब हम लोग मुजफ्फरपुर भी आ गए थे, उसके बाद भी प्लांट्स पे ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण यही था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम मम्मी के ऊपर केयर कर रहे थे और प्लांट्स को बस पानी ही दे रहे थे, यही हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी मम्मी अब ठीक हो गई हैं, अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो अब जल्दी ही वो अपने प्लांट्स, जो उनके जितने भी प्लांट्स हैं, उनको केयर करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो सिर्फ टेरेस के प्लांट्स मैंने आपको दिखाया है, नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी पूरे प्लांट्स जो हैं मेरी मम्मी ने लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं नीचे भी वो पूरे प्लांट्स मेरी मम्मी ने लगा के रखे हैं। तो सारे प्लांट्स ठीक हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर जो केयर होती है, कटिंग करना होता है, वो बूसी ना हो, ये इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और हम लोगों को तो इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, मम्मी को ही पता है। तो जल्द ही मेरी मम्मी आप लोगों के सामने फिर से आएंगी और वीडियो, जो भी वीडियो है वो बनाएंगी, और जैसे कि पहले आप इस चैनल में बैक जाके देख सकते हैं कि मेरी मम्मी कितने सारे वीडियोस बनाती हैं, सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से प्लांट कब लगाने चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र उसमें डालना है, उसे कैसे, उसकी कटिंग करनी है, उसे कैसे लगाना है। तो जैसे कि पहले भी मेरी मम्मी सारे प्लांट्स के बारे में बताती थी, फिर से आप लोगों को बताएंगी। तो आप लोग भी प्रे कीजिए कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए,
और जल्दी ठीक होके फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करें। मैं ट्राई करूँगा अभी उतना मतलब लाइक उनकी जो स्पीच है उसमें थोड़ी लाउडनेस अभी कम हो गई है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि वो वीडियो एक दो वीडियो बनाए और आप मैं वो चैनल पे पब्लिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं यहीं पे अब इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।